राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये कहानी है जब श्री राम सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी महापुरुष भगवान शिव के धनुष में प्रत्यंजा मतलब धनुष के धागे को बांध पाया, सीता जी उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। अब एक एक करके सारे राजा महाराजा कोशिश करते हैं, लेकिन धनुष में प्रत्यंजा चढ़ाना तो दूर की बात, कोई भगवान शिव के धनुष को हिला भी नहीं पाता। आखिरकार श्री राम की बारी आती है और वो जैसे ही धनुष में प्रत्यंजा चढ़ाते हैं धनुष टूट जाता है। धनुष टूटते ही हाहाकार मच उठता है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं और तो और समुद्र में सुनामियां आ जाती हैं। ये देख भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी सब समझ जाते हैं और वो सभा में आकर कहते हैं, कौन है वो जिसने शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया। जिसे सुन श्री राम कहते हैं, नाथ संबुधनु बंज निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, आये सू कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। श्री राम कहते हैं, हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, मुझे बताएं आपका क्या आदेश है। यह सुनकर परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनो हूँ राम जी हूँ शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तुम धनुष तोड़ने वाले को सेवक कहते हो? अरे सेवक तो वो है जो सेवा करे, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला तो शत्रु के भांति लड़ाई करने के योग्य है। सुनो राम, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है वो सहस बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। इसके बाद आगे परशुराम जी कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तुम्हारे जाही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले परशु धर ही अवमाने। तो अब एकदम गुस्से में आकर परशुराम जी कहते हैं, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है वो अलग हो जाए, वरना बेवजह ही यहाँ उपस्थित सारे राजा महाराजा मारे जाएंगे। परशुराम जी की ये बातें सुनके श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबू न असी ऋषि कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के हुए हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिवर हमने बचपन में तो ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, आपने तब तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया, फिर इस धनुष से आपको इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध से कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, अरे बालक, तुम्हारे सामने स्वयं काल खड़ा है, थोड़ा संभल के बोलो, सारे संसार को पता है ये धनुष कोई आम धनुष नहीं, स्वयं भगवान शिव शंकर का धनुष है। परशुराम जी को गुस्सा देख लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जुन धनुष तोरे, देख राम नयन के भोरे। मतलब मुनिवर हमारे लिए तो सारे धनुष एक ही समान हैं और ये धनुष तोड़ के भला हमें क्या फायदा होगा। हाँ, और राम जी की झुकी हुई आंख देखकर लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। अरे ये धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया मुनिवर, इसमें उनका कोई दोष नहीं, आप तो बेवजह ही गुस्सा कर रहे हैं। ये सुन के परशुराम जी अपने फरसे की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, अरे बालक, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। और कहते हैं, बालक बोले बधाई नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी कहते हैं, जाओ, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मारता, तुमने क्या मुझे कोई आम ऋषि मुनि समझ रखा है, अरे मैं तो बचपन से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने वाला बहुत ही क्रोधी व्यक्ति हूँ और दुनिया में क्षत्रिय कुल के शत्रु के नाम से फेमस हूँ। इसके बाद परशुराम जी अपनी तारीफ में एक दो लाइन और कहते हैं, भुजबल भूमि भूपि बिनुकीना, विपुल बार महादेव निदीना, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकि महीप कुमारा। परशुराम जी कहते हैं, बालक तुम्हें ज्ञान नहीं, न जाने कितनी बार मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर पृथ्वी के सारे राजाओं का वध कर इसे ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ,
ध्यान से मेरे इस फरसे को देखो, इन्हीं से मैंने सहस्रबाहु की दोनों भुजाओं को काटकर शरीर से अलग कर दी थी। अपने तारीफों का पुल बांधने के बाद परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमकी देते हुए कहते हैं, मातु पितहु जनी सोच बस, करिसि महीस किशोर, गर्भानी के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे ओ राजा के बालक, अपने माता पिता के बारे में सोचो, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, गुस्सा आ गया ना तो पेट में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देता है। परशुराम जी की ये क्रूरता से भरी बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखावक उठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। मुनिवर, लगता है आप खुद को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, और ये बार बार मुझे अपनी ये कुल्हाड़ी क्या दिखा रहे हो? हाँ, आप बातें तो ऐसी करते हो जैसे फूक कर ही पहाड़ उड़ा दो। और परशुराम जी की धमकी का जवाब देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुंभर बतिया कोई नाही, जे तर झनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अरे मुनिवर, यहाँ कोई छुई मुई मतलब टचमी नॉट थोड़ी है जो आपकी उंगली देखकर ही मर जाए, और आप ये जो बार बार अपने कुठार और धनुष बाण दिखा रहे हो, मैं इनसे डरता नहीं हूँ, इन्हें देखकर ही पूरे अभिमान के साथ ही बात कर रहा हूँ। जिसके बाद लक्ष्मण जी परशुराम जी को आगे कहते हैं, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहो रिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराए। मुनिवर, आप जनेऊ धारण किए भृगुकुल वंश के साधु हैं, इसीलिए आपने जो भी कहा मैं उसे सह लेता हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ माता के ऊपर अपनी वीरता दिखाई नहीं जाती। जिसके बाद लक्ष्मण जी परशुराम जी को आगे कहते हैं, बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारत हु पा पर ये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाढ़ कुठारा। मतलब, हम ब्राह्मणों पे अपनी वीरता नहीं दिखाते क्योंकि इन्हें मारने पे पाप लगता है, और जो कि आप ब्राह्मण हैं तो आप हमें मार ही क्यों ना दें, तब भी आप पैर पड़ने योग्य हैं। वैसे आपकी ये बातें हथियार के किसी वार से कम थोड़ी हैं, व्यर्थ ही आप अपने साथ धनुष बाण और ये कुठार रखते हैं। आखिरी की इन दो साखियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर परशुराम जी बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारे ये प्यारे से चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। देखने के लिए प्लेलिस्ट में क्लिक करें, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।